सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन के मेन गेट पर तकनीकी कर्मचारियों के बकाया ओवरटाइम भुगतान हेतु चल रहा अनिश्चितकालीन धरना आज 13वें दिन भी जारी रहा। आज धरना स्थल पर अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा ने श्री नरेंद्र सिंह सिसोदिया, श्री महावीर सिंह पवार, श्री गुरमीत सिंह संधा को माला पहनाकर बैठाया। आज धरना स्थल पर तकनीकी कर्मचारियों ने थर्मल प्रशासन के प्रति आक्रोश प्रकट करते हुए थर्मल प्रशासन का पुतला फूंका। पुतला दहन दोपहर में 3:15 बजे कर्मचारियों ने किया। इस मौके पर पूर्व जिला प्रमुख श्री पृथ्वीराज मील ने संबोधित करते हुए कहा कि वह थर्मल के कर्मचारियों को उनके बकाया ओवरटाइम का भुगतान अतिशीघ्र करें। धरना स्थल पर मुख्य अभियंता ने पूर्व जिला प्रमुख व इंटक के अध्यक्ष से वार्ता की व पूरे मामले की रिपोर्ट अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक जयपुर तक भेजने का आश्वासन दिया। पुतला दहन के दौरान कर्मचारियों ने थर्मल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारी बसों से उतरकर थर्मल प्रशासन होश में आओ के नारे लगाते हुए पुतला दहन स्थल पर इकट्ठे हुए। पुतला दहन के मौके पर भारतीय मजदूर संघ के पूर्व अध्यक्ष भूपेश कुमार, महावीर सांचौरिया, कंवरजीत सिंह, नरेंद्र सिंह सिसोदिया, अमृतपाल चौहान, अजय सिडाना, विश्राम गुर्जर, दिनेश चावा, उत्तराम पनवार, रतिराम कृष्णलाल पनवार, कज्जू सिंह, धर्मपाल भादु, दिनेश चावला, भानु प्रताप सिंह, अनिल मिन्हास, विनोद पांडे, नेमीचंद कछावा, रामकुमार कर्नेल सिंह, गोपाल दास पंवर, सत्यनारायण वासुदेव शर्मा, मुरलीधर सोलंकी, दीपक नागपाल, राकेश गोदारा, प्रेम राज मीणा, हरप्रीत सिंह तुलसाराम, मीठालाल मीणा व अन्य थे। सूरतगढ़ में सभी संगठनों ने मिलकर फिल्म पद्मावती के निर्देशक संजय लीला भंसाली का पुतला गधे पर बैठाकर जुलूस निकाला तथा उपखंड कार्यालय के आगे सभा का आयोजन किया और सभी संगठनों ने इसका विरोध करते हुए इतिहास के साथ हुई छेड़छाड़ के खिलाफ नारेबाजी की और इस पर रोक लगाने के लिए SDM कार्यालय ज्ञापन सौंपा गया।